मैडम कभी ऐसा हो कि आप किसी की तफ्तीश कर रही हो तो ताड़ा हासा निकल गया हो? अभी तक आपको पकड़ा ही नहीं। नहीं वैसे कई मुजरम जड़े होंगे ना वैसे भाई वैसे तुम फड़े आना तो रोंदे ही हैं जा तफ्तीश करना था मेनू माफ कर दे खुदा दी कसम मेरे अब्बू नु पूछ लो मैं घरों नहीं निकल। इस तरह की बड़ी चीजा होंगे ने जब ऐसा हो गया आपकी हंसी निकली और आपने कहा इसे छोड़ दो। अभी जरूर निकल रही है मेरी वैसे पर जिसे कहते हैं वो जो भी उस वक्त कई बार ऑफकोर्स लोगों के साथ वाकई हुआ होता है तो वो बहुत इमोशनल होके यू नो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं मगर बहुत सा फेक भी होता है जो कि उस सिचुएशन से बचने के लिए उस वक्त एज ह्यूमन बींग्स हम हमेशा बचपन से कर रहे हैं बच्चे भी करते हैं तो ये पकड़ना मुश्किल नहीं हो जाता कि अब ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? हो जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। जैसे अब मैंने आपने कहा ना कि इतने टाइम में क्या सीखा है, ये बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है हालात देख के चीज़ों को देख के और वो सारी सिचुएशन देख के समझ आ जाती है कि ये सच बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। आपके कोई खानदान में और पुलिस में है? डिस्टेंट कजन्स हैं। क्लोज बाय आपके कोई नहीं, सिबलिंग्स में से नहीं, कोई नहीं है? नहीं। और आपके वो डॉक्टर्स ही हैं? वो सारे डॉक्टर्स हैं बेचारे। जी अच्छा मतलब आपको बेचारे ही कहेंगे ना डॉक्टर्स। उन्हें तो सिर्फ लिखाई दी समझ नहीं आती फीस दी आती है मगर खैर इनको तो वो इशू नहीं रहता होगा क्योंकि ये खुद भी इलाज कर सकती हैं अपना बहुत सा और बाकी इतने कजन्स वगैरह हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। होम डॉक्टर हूं मैं। हां वैसे आपसे भी हेल्प कभी होती है कोई? हाँ बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स मुझे कभी तो मुझे लगता है कि मुझे पुलिस के काम के लिए फ़ोन किया है बट वो व्हेन दे कॉल मी दे आस्क मी के मुझे ये मसला हो रहा है मेडिसिन कौन सी लूँ मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये मुझे एज ए मेडिकल प्रोफेशन मेरा जो है उसका कंसल्ट करने के लिए भी फ़ोन करते हैं। हम यहाँ पे एक ऑडियंस का क्वेश्चन भी लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम नुमान है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये पांजा क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं ये पांजे के बारे में। लम्बे पे वो त्याओ वीर सिपाही जी जरा लाओ हर वक्त उनकी घर की रोशनी है अगर किसी बेचारे ने सुना हुआ है। हमने भी सुना ही हुआ है कभी देखा तो नहीं। आपको आइडिया है ये एक्चुअली होता क्या है? इफ यू वुड लाइक टू टेस्ट कराई मुझे बिल्कुल पता ही क्या होता है लेकिन आप ना ही जाने ही क्या होता है अच्छी बात है और आप दुआएं करें कि आपको कभी देखने का मौका ना मिले। वो जी तो पांजा लगता उस रिश्तेदार ने भी प्यार हो जाता जिन्ना सब तो ज्यादा नफरत होती है। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਦੇ ਗਏ? ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਇੰਝ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਗਰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪਕੜੇਂਗੇ? ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੋ ਤਬ ਨਾ ਡਰਾਮੋ ਮੈਂ ਨਾ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੌੜ ਰਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 8-10 ਡਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਤੇ ਫੋਨ ਲਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰੋਂ ਕੀ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਨਾਕੇ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਨ ਅਤਰ ਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕੈਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਆ ਥਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਆ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਅਭੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਮਨੇ ਸਿਫਸ ਅਭੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ उसमें ये जिस तरह की ये बात करें ये बस पुरानी बातें हो गई हैं वो कोई बहुत जरूरत के तहत अगर जरूरत पड़े अच्छा यानी कि अब नई वाली फैसिलिटी बन चुकी हुई है तो कैसे अपना नया वाला आईफोन कब चोरी करवा रहे हो अगर हम ना देख रहे हैं बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म्स के अलावा भी पहने हुए तो भाइयों से जरा बात तो करवाएं कि ये क्या करते हैं तारुफ करवाइए अपना फर्स्ट क्लास खेली हुई है वर्ल्ड 11 के साथ खेली हुई है और क्या आप करते हैं बैटिंग बॉलिंग क्या करते हैं जी बैटिंग ऑलराउंडर जी बैटिंग ऑलराउंडर हैं आप जबरदस्त जेड़ा बॉलर आउट कर दे उन फड़ के ले जांदे यार और इधर तुम ड्रॉ और भाई आप अस्सलाम वालेकुम आमिर सोहेल मेरा नाम है अरे है लाहौर पुलिस में क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए फास्ट बॉलर खेल रहा हूं मैं बनता आपका वैसे बैट्समैन था और वो भी ओपनर मगर चले आप फास्ट बॉलिंग सही फास्ट बॉलिंग शोभा है राजी फास्ट बॉलर के तौर पे अच्छा तो आप अगर बाउंसर मार रहे हो तो सामने वाला तो कुछ नहीं कहता होगा नहीं कुछ नहीं कहता ऑलमोस्ट हेलमेट को टच कर जाता है या कीपर के पास चला जाता बनता भी यही है वैसे माशाल्लाह आपकी फिटनेस के ऊपर कम से कम इतनी फास्ट बॉलिंग तो होनी चाहिए जी जी मगर कैसा है आपका एक्सपीरियंस
पंजाब पुलिस हेल्प करती है सर, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें अफसरान ने। और आलमोस्ट यानी कि पुलिस में भर्ती होने से पहले ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद भी माहौल बहुत अच्छा मिला है। रिसेंटली हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया हमारे अफसरान ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन भी किया डॉल्फिन स्क्वाड ने, तो बड़ा अच्छा माहौल है और अफसरान की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं फास्ट बॉलर हूँ तो एग्रेशन के लिहाज से शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, क्या बात, वाह वाह। और पांजा लॉन्च भी होनी स्पीड है तड़ी। जी बिल्कुल, आपको पता है जिनको पांजा लगा हो उनको पता होगा स्पीड कितनी होती है पांजे की। और आप सर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जी एक्चुअली मुझे हाशिम आमला साहब ने खिताब दिया था, यू जस्ट प्ले लाइक एन इंजी। अच्छा, तो मैं पसंद भी उन्हीं को करता हूँ। इंजमाम साहब को? जी सर, इंजमामुल हक साहब को। आपकी मुलाकात हुई इंजमाम साहब से? जी, इंजी भाई से होती रहती है। और बल्कि मैं सर अंडर 19 के जो हमने एकेडमी की थी वो आकिब जवेद साहब ने कल भी एक्चुअली बड़ा अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सर पहला कैप्टन हूँ जो कजाफी स्टेडियम में खेला हूँ पुलिस की तरफ से। जबरदस्त। वेलकम बैक टू गपशप। अनुज साहिबा, बेस्ट शूटर भी थी अपने बैच के अंदर आई बिलीव। यस। तो ये निशाना आपका अभी भी वैसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, तो घर पे आपसे कोई बहस करता है? नहीं, बिकॉज मैं वैसे ही आई टॉक सेंस एंड आई टॉक लॉजिक। ड्रामास और मूवीज में दिखाते हैं पुलिस हमेशा लेट ही आती है, तो ये एक इमेज क्यों बन गया लोगों के माइंड में? क्योंकि वो फिल्म या कहानी आगे चलनी होती है। चोरी करो पुलिस से पहले ही आई है। क्या इसके अंदर सदाकत है? देखिए क्राइम तो पहले ही होना होता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद ही आती है। लेकिन अभी इसका रिस्पांस टाइम बहुत कम है। अभी आप 15 पे कॉल करें, अभी मजीद भी अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं 15 पे कॉल करें, आपको आइडिया हो जाएगा रिस्पांस टाइम क्या है। पुलिस तो आती है। सबसे पहले मैं ये दाद देना चाहूँगा, 2-3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हो कि मसला प्रॉब्लम डॉल्फिन पुलिस जो है ना, वो तो पता नहीं घर के बाहर ही खिलोते हैं। SHOs भी पहुंचते हैं, हमारे तफ्तीशी भी पहुंचते हैं। नाउ दिस इज एन SOP और बहुत अच्छे से इसमें दिखाया जाता है। बहुत ड्रामा इसमें, तो ड्रामा है ना। मेरे पास तो मोजो मसलन दानिश भी तो मर गया सी, कितनी बार साडे को आया मरण के बाद। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम बलसान है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो साथ ही एक दो लगा देते हैं, और अगर पता चल जाए कि इसका पीछे से ताल्लुक है तो फिर कहते हैं यार पहले तो तू दसिया ही नहीं। फिर इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि डिस्क्रिमिनेट किए बगैर लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइए, आपने जो ग्रीन पहना हुआ है इसके बारे में जरा। मेरा नाम नईम संधु है, मैं कबड्डी और रग्बी का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। संधू साहब आपके कद पे बनता भी यही था। माशाल्लाह। मैं वर्ल्ड में 3 दफा बेस्ट हुआ हूँ। उधर इंडिया में वर्ल्ड कबड्डी लीग हुई थी, वाहद पाकिस्तान का स्टॉपर हूँ जो मैं उधर इंडिया में बेस्ट हुआ हूँ।